exit with time to spare. Kushi, pane lo. अरे यार बेटा इस तरह मैच था ना, क्या हुआ? अच्छा था पापा, we won. Nice. पापा मेडिकेशन में सेकेंड आई आज. खाना लगा दो. दादी ने खाना खा लिया? हाँ. दवाई? सही टाइम पे दवाई और दादी को मैंने दी. पता नहीं पापा इसका जन कहाँ रहता है. पापा आपकी यूट्यूब पर तो रेसिस्टेंस है. तुझे सब यही आता है ना, आग लगाना. आई थिंक मॉम और डैड के झगड़ा भी तूने ही कराया था, वरना आज हम सब साथ होते. When will you stop being distressed? Khushi! Bada hai tujhse. Are you in your senses? And what are you talking about? Papa, aapki sirf yahi problem hai ki aapko problem sirf mujhme dikhti hai. You never look at his faults. Story. I think it's worthless. Like, this has no solution, and I'll just have to make myself used to this. No, Khushi. Everything has a solution. You too deserve to be happy. Unless and until you speak, how are we going to find a solution to your problem? But it's awkward. Pata nahi koi kya sochega. It's not. Let me tell you about myself. It's awkward for me too, but I will tell you anyway. I am in a toxic relationship. My partner is very possessive. और मुझ में इतना courage नहीं है कि मैं उसके साथ breakup कर लूँ. Well, in my case, mom and dad got divorced 4 years back. तब से मैं और मेरा बड़ा भाई हम dad और दादी के साथ ही रहते हैं. I could have been with mom anyhow, but I know she could have managed our education. यहाँ सब आयान की तरफ बायस्ड है. नो वन सीज द गुड इन मी. नीदर डैड नॉर दादी. इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू आयान वट एवर हैपन्ड इन द फैमिली इज बिकॉज ऑफ मी. ही कॉल्स मी बैड लक. लेबल्स मी विद दैट नेम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. इट्स सो एम्बैरेसिंग. इट्स डिस्गस्टिंग. यू आर अ वॉरियर. यू आर अ विनर. यू आर द सनशाइन इन योर फैमिली. You just have to do your best and not long for appreciation. You are given this life because you are worthy, Khushi. You are not worthless. Thanks. Come, let's go. Thank you.
beautiful. Good job. Last night was fun. I hope you remembered a few things. Now I'll take off. Bye. बड़ी पार्टी हो रही है इतने दिनों से, हमें भी ले जाया करो। और तू कॉलेज भी नहीं आया, इतने दिन हो गए। किसके साथ हो इतने दिनों से? आई थिंक आई नीड टू सी अ थेरेपिस्ट। आई एम हैविंग सम इश्यूज। व्हाट इश्यूज? आई कैन नॉट टेल। बता ना, यू थिंक आई वुड अंडरस्टैंड? आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय सेक्सुअलिटी। मतलब आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू बॉयज। तू लेस्बियन है, तुझे ऐसा क्यों लगता है? I really need a good therapist right now. Are you don't look like a lesbian, paka mat. In the first lecture, I was with a therapist. Are you serious? Why do we need a therapist? It's waste of time and money, dude. And तुझे क्यों लगता है तू lesbian है? मुझे पता है तू नहीं है. बकवास मत कर. Why don't you believe me? ये सब होता ही कहाँ है? मतलब तू तो normal ही है. It's just a phase. और तू ना Hollywood series से ज़्यादा ही influence हो रही है. थोड़ा कम देखा कर. और वैसे भी मैंने तो कोई homosexual को real life में नहीं देखा. तुझे पता है तू क्या बोल रही है? अच्छा रुक, एक इसे देख, कितना तन्वी, इरिटेट मत कर, आई एम सीरियस। हैव यू बीन विद एनी गर्ल? नॉट येट। फिर तू कैसे बोल सकती है तू लेस्बियन है? कैसे बोल सकती है? आई एम अ लेस्बियन। एंड सबसे पहले ये चीज मुझे खुद को बतानी है। आई नीड अ थेरेपिस्ट सो दैट आई डोंट एक्सप्लोर माई सेल्फ ओनली व्हेन आई एम ड्रंक। आई एम डैमेजिंग माई लिवर कॉन्स्टेंटली टू बी विद वुमेन। आई हैवंट बीन एबल टू स्लीप एट नाइट। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ फॉर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी। तुझे पता है कि मेरी फैमिली के लिए कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। मैं नफरत करती हूँ यार अपने आप से, इसलिए आई नीड माई ओन एक्सेप्टेंस। आई वॉन्ट टू बी लिबरेटेड। आई डोंट केयर कोई क्या सोचेगा। आई हैव टू एक्सेप्ट माई सेल्फ फर्स्ट। वैसे
अब मुझे पता है तेरा सिर्फ एक बॉयफ्रेंड क्यों था, वो भी 3 साल पहले। Shut up, dude. चल, let's go. What? Why did you keep calling? Where were you? कहाँ गए वो सुबह से? हाँ मैं खुशी के साथ थी, उसका कुछ काम था कॉलेज में, जस्ट अभी वापस आई। सच सच बताओ निशा कहाँ थी? मैं झूठ क्यों बोलूंगी, कॉलेज में थी, आने में लेट हो गया बस। पूरा दिन बात नहीं हुई तो आ गया तुमसे मिलने। बताना तो चाहिए था ना। बता के आता तो तुम कहाँ मिलती, और वैसे भी तुम तो जा रही हो अपने बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे में जिसने मुझे इनवाइट तक नहीं किया। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी नहीं। पता नहीं व्हाई नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक मी। रियली आर यू वेयरिंग दिस टू द पार्टी? हां डू लाइक इट? वेयर समथिंग डीसेंट ना, तुम्हें अच्छा लगता है कि जब लोग तुम्हें घूरते हैं? कोई नहीं घूरने वाला, सब फ्रेंड्स है। Will there be boys? हाँ, obviously, खुशी की पार्टी है। Go change your clothes, तुम ऐसे नहीं जाओगी। What do you mean? I am not changing. निशा बात मानो मेरी। तुम पागल हो गए हो, मैं जा रही हूँ। Bye. Hello, मुझे तुमसे मिलना है, अभी आ सकते हो? Hi. Hi. Sit. क्या हो गया? Is everything fine? यार कल के लिए यार sorry, कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने। It's okay. I need to tell you something. I want to break up with you. I can't do this anymore. ये क्या बोल रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? I need a break. जितने तुम पड़ोसी हो मेरे लिए, उतने तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं। तुम्हें हर टाइम बताना पड़ता है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, किसके साथ हूँ। अरे दम घुटता है मेरा। दम घुटता है तुम्हारा? ऐसा क्या किया मैंने? और क्यों चाहिए तुम्हें ब्रेक? इतने सालों से साथ में हम, मेरा प्यार क्या कम हो गया तुम्हारे लिए? कम नहीं हुआ, सर चढ़ गया। सुन यार, did I do the right thing? ब्रेकिंग अप विद शौर्य ऑब्वियसली। उसके मैसेज है यार बहुत सारे, ही इज ब्लैकमेलिंग मी। ब्लैकमेल? उसके मैसेज है, बोल रहा है अगर उसके पास वापस नहीं गई तो सब बता देगा मम्मी पापा को अबाउट अवर रिलेशनशिप। ही विल टेल देम आई एम नॉट अ वर्जिन। सो व्हाट यार, इज इट दैट बिग डील? मेरे घर पे यस इट इज। नाउ व्हाट? I don't know yaar, I feel trapped. I will have to make a decision. तू मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? मैं तेरे पेरेंट्स को सब बता दूंगा, सोच ले। Go away, Shaurya. ए, तुझे डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, बता दे जो बताना है। मेरे पेरेंट्स थोड़े दिन गुस्सा होंगे, at least they will love me and understand me. Do whatever you want to do.
Didn't you see Mehr's post? हाँ यार, क्या मस्त लग रही है ना वो? Seriously man, क्या amazing body है उसकी. Every dress looks good on her. अच्छा, by the way, this top looks good on you, हाँ? Thanks. तन्वी जा, तू भी try कर. नहीं यार, तुम लोग ही करो, मुझे नहीं करना. अरे but why? You look good on you. No, no, seriously, fine, तुम लोग ही करो. गंदी लगेगी ना. Yeah.